केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज चार धाम ऑल वेदर रोड की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेंगे। आपको बता दें कि चारों धामों को जोड़ने के साथ ये राजमार्ग सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। राजमार्ग के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह खेड़ा ने कहा है कि जनरल वीके सिंह सुबह फ्लाइट से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वहां मंत्रालय बीआरओ उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वो परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का भी समीक्षा करेंगे। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर ये तमाम चीजों का निरीक्षण यहां पर वीके सिंह की तरफ से किया जाएगा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज चार धाम ऑल वेदर रोड की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए पहुंचेंगे। तो चारों धामों को जोड़ने के साथ ही ये राजमार्ग सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में सरकार कोई कोताही कोई चूक इसमें नहीं बरतना चाहती है और इसी को जायजा लेने के लिए आज जो वीके सिंह यहाँ पहुंच रहे हैं। तो राजमार्ग के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह खेड़ा ने कहा है कि जनरल वीके सिंह सुबह फ्लाइट से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। और ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, वीके सिंह आज चारधाम ऑल वेदर रोड की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने के लिए पहुंचेंगे, ताजा अपडेट। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो आज दो जगह पर जो ऑल वेदर रोड है उसकी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके तहत पहले तो 10 बजे से भैरव घाटी, नरेंद्र नगर, चंबा, चिन्याली स्वर्ण आदि जगहों पर चल रहे ऑल वेदर जो निर्माण है उनकी दोनों जो है वो चेकिंग करेंगे कि कितना निर्माण हो पाया है। उसके बाद मातली उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड की समीक्षा बैठक की जाएगी। लगभग 12 बजे के लगभग ये उत्तरकाशी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है 2019, 2020 और 2022 तक अगर कहा जाए तो पहले लगातार ये बात हो रही थी कि 2019 तक ऑल वेदर सड़कों का निर्माण हो जाएगा, फिर उसके बाद 2020 हुआ और अब 2021-22 तक इसको पूरा करने की बात आ रही है। तो कुल मिलाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरीके से कहाँ कहाँ निर्माण कार्य रुके हुए हैं, कहाँ सुरंगें रुकी हुई हैं, कहाँ टनल को बनाया जाना है, तो इन तमाम चीजों को लेकर वीके सिंह आज पूरे निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामरिक इलाकों में मातली जो है वो बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, तो वहां पर किस तरीके से सामरिक क्षेत्र की उसमें निर्माण कार्य सड़कों का हो रहा है इसको इसका भी जायजा लेंगे। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि किस तरीके से जो सड़कों का जाल है पूरे उत्तराखंड में वो किस तरीके से बन रहा है इसको लेकर वीके सिंह जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, और राजमार्ग काफी सामरिक रूप से भी काफी जो है अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण है और शायद यही वजह है कि सरकार कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरतना चाह रही है और इसी का रिपोर्ट चेक करने के लिए आज वो यहाँ पर पहुंचेंगे। अधिकारियों के साथ भी जो है विभाग के यहाँ पर बैठक है, ये कितने बजे बैठक होगी और अधिकारियों को क्या कुछ कहना रिपोर्ट को लेकर? बिल्कुल, 12 बजे के लगभग बैठक है उत्तरकाशी में और वो भी मातली जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर, क्योंकि वहां पे बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी और सीआईएसएफ के जो तमाम लोग हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो अधिकारी हैं वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहेंगे और जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। बैठक इस पर ली जाएगी। साफ तौर पर जो क्योंकि मातली और उत्तरकाशी से जो जुड़ा हुआ इलाका है वो चाइना से जुड़ा हुआ है और ये तमाम उसको देखते हुए वहां पर सामरिक दृष्टि से इसको माना जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और उसको उसमें क्या कुछ निर्माण कार्यों में तेजी लाई जानी है उसको देखते हुए जनरल वीके सिंह आज वहां पर बैठक लेंगे। पंकज, आप बने रहिए हमारे पास, साथ हम लौटेंगे आपके पास।